बात बता दूं, ये बातें जो होते हैं ना इंसान तभी करता है जब उसकी ट्रिप का ना सातवां दिन आ जाता है और वो खूब ट्रैवल कर चुका होता है, दुनिया भर की सफारी कर चुका होता है, और बांधवगढ़ की वो दो सफारी कर चुका होता है, वो भी टाला गेट की, और वहां पे उसे टाइगर नहीं दिखता। भैया वो बिलिंग हो गई क्या? आज दिखा दीजिए। 6,500 रुपए का विद ब्रेकफास्ट एंड देन दो दिन का हमारा लंच डिनर का बिल आया 2140 रुपए। वहाँ आया था 3 दिन का 2,550, सो ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट ही है। अब गाड़ी का हाल देखो जिससे हम जाएंगे पेंच। कार कितनी गंदी हो रही है भाई। इट्स टू डर्टी। भैया कोई होगा क्या गाड़ी में जो कपड़ा खराब है? नहीं नहीं आप रहने दो, कोई बात नहीं, हम रास्ते में करा लेंगे। चलो भाई फाइनली बाय बाय हो गया बांधवगढ़ से। 2 दिन का स्टे बहुत ही शानदार रहा, मज़ा आ गया एकदम। और जो फाइनल जो 2 दिन का वो बोलूँ ना क्या कहते हैं समराइज, सबसे बेस्ट चीज़ क्या रही वो थी बांधवगढ़ के अंदर मैगी खाना, वो भी साल के पत्ते पे। क्या बोलते हो सर? सुपर फन था। अब एक छोटा सा काम है बिफोर लीविंग फॉर पेंच, मेरे को मैंने अपनी वाइफ के लिए जो टी शर्ट खरीदी थी उसको एक्सचेंज कराना है, गलत उसमें इम्प्रिंट आ गया, मतलब गलत उसका डिज़ाइन आ गया, तो बस वो चेंज कराते हुए चलेंगे। और इसका स्टीयरिंग तो उस समय ऐसा लग रहा है जैसे इको स्पोर्ट का स्टीयरिंग हो, इतना लाइट इतना क्रिस्पी। तो ये रही भाई वो टी शर्ट। ये भैया कल आपने ना डिज़ाइन गलत दे दिया जी? मैंने एलिफेंट वाला चूज़ किया था डिज़ाइन। एलिफेंट? हाँ खोलो दिखाता हूँ सामने ना, ये डिज़ाइन मैंने कल चूज़ किया था। चेंज हो गया, अब बीवी से मारनी पड़ेगी। 98 है सर। तो 98 से कम ही है भाई साहब। ये तो शहर संभावित क्षेत्र है, जैसे शहर के नजदीक जो क्षेत्र है वहाँ 80 है। ये बोर्ड भी लगा, बोर्ड देख लीजिए आप। मैं हम तो 100 के हिसाब से चला रहा हूँ, मैं तो 100 के हिसाब से चला रहा हूँ, 100 से नीचे नीचे। तो दिल्ली से देखना पड़ेगा ना सर, बोर्ड देखना पड़ेगा सर, हम लोग दिल्ली से आ रहे हैं। तो 120 थी बट हम तो एक्सप्रेस वे है ना सर, एक्सप्रेस वे में 120 है ना सर, ये एक्सप्रेस वे नहीं है ये सर, है तो ये फोर लेनी तो है, फोर लाइन से मतलब नहीं है सर, ये NHI है, वो एक्सप्रेस वे में 120 रहती है सर। अच्छा चलिए अब तो अब हमें तो 100 देख के चला रहा हूँ मैं। नहीं, तो देख के नहीं सर, पीछे नहीं, अगर मैं 120 130 चलाता तो मैं समझ में भी आता। महोदय 98 है, 80 का बोर्ड लगा हुआ है, आपकी गाड़ी 18 स्पीड ज्यादा है ना, मतलब ओनर आप है सर? नहीं ओनर आप है, ये मित्र है। 1,000 भैया के नाम पे, 1,000 आप, 2,000 का चलान रहेगा सर। अब बात कर लीजिए सर, जरा गाड़ी साइड में लगा, उतर तू पहले, गाड़ी थोड़ा ऐसे दबा दीजिए, उतर जा। वो समझ में आता है वो वाला, यहाँ तो आप कर सकते हो ना, मैंने इस चीज़ को करेंगे आप पेमेंट UPI से करेंगे। खुश है तो चालान कटवा के आगे हम बांधवगढ़ से जी बनाओ पूरा ब्लॉग, तब तो ज़्यादा मिलेगा भैया ने रसीद पे। सो भाई कट गया मस्त चालान 1,000 रुपये का। बहुत ही ख़राब हमारा स्वागत हो रहा है MP में सातवें दिन। अब ये नितेश साहब हमारे ड्राइवर हैं, ये चलाएंगे। ड्राइवर चेंज है। अब हमारा डिस्टेंस रह गया 210 किलोमीटर टुवर्ड्स पेंच। तो प्यारा सीन आ रहा है, ब्यूटीफुल सीन गाइस, हम पहुंचने वाले हैं पेंच नेशनल पार्क इन जस्ट 2 आवर्स। सो भाई फाइनली हम लोग पेंच पहुंच गए हैं, सुबह निकले थे 1:45 और अब बज रहे हैं 7:30। भाई हमने रिजॉर्ट का क्या नाम है? वन से है भाई, कुछ वन करके है, हमने रास्ते में ही सर्च किया क्योंकि हमारी प्री बुकिंग तो कुछ थी नहीं। तो ये रिजॉर्ट का रास्ता जाता है बफर जोन के थ्रू। वो तो कुछ नहीं दिख रहा भाई, रुक जाओ गाइज वेट, बहुत तेज लाइट पड़ रही है। तो गाइज मैं क्या बोल रहा था कि जो इस रिजॉर्ट का रास्ता है इस बफर जोन के थ्रू जाता है, जिस गेट का नाम है खवासा, है ना? खवासा गेट। तो काफ़ी घना जंगल लग रहा है ये भी पेंच का। बस एक इशू है, हम पेंच आ तो गए हैं बट हमारी कोई भी बुकिंग नहीं है अभी तक। काना बांधवगढ़ की हम प्री बुकिंग करा के लाए थे। पेंच की वो स्पेशल बात तो बता दे। पेंच की स्पेशल बात ये है कि जो अभी तक आप मोगली की कहानियां सुनते थे वो इसी की है,
इसी टाइगर रिजर्व की है। हाँ, जो जंगल बुक के ऑथर हैं मिस्टर रुडयार्ड किपलिंग, मिस्टर किपलिंग, उनकी जो इंस्पिरेशन थी वो यही एरिया। हाँ, इसलिए तो यहाँ पे जो एमपीटी किपलिंग्स कोर्ट है, किपलिंग्स कोर्ट, अच्छा इसी वजह से नाम है। यहाँ पे जो गवर्नमेंट का रेस्ट हाउस है, मतलब जो हर जगह एमपीटी के आपको मिलेंगे, तो यहाँ पे किपलिंग्स कोर्ट के नाम के जिन्होंने वो किताब लिखी है। तो आपने जंगल बुक देखी होगी, जंगल डेफिनेटली देखी होगी, नेटफ्लिक्स पे है, बड़ी शानदार। तो जो मोगली जो बंदा था वो भाई साहब यहीं के थे, पेंच नेशनल पार्क जी। मुझे भी अभी पता चल रहा है नितेश से, वरना मुझे भी अभी तक कहना लगता था कि वो कहना पे, पर एक्चुअली पेंच का है वो जी। देखिए मैंने आज ज़्यादा रास्ता इसलिए कवर नहीं किया कि वो यूजुअली हाईवेज था, डायरेक्टली मैं आपको सुबह बांधवगढ़ से डायरेक्ट पेंच ही ले आया हूं। भाई अपना दुख तो बताना, सुबह 5 बजे के उठे हुए हैं, 5.5 घंटे की सफाई, सबसे बड़ी है, नहाए नहीं, खाना भी शाम को हमको 7 बजे नसीब हुआ है। सही में, बिल्कुल सही कह रहा भाई, सुबह 5 बजे के उठे हुए हैं, बांधवगढ़ की सफारी करी जो कि काफी लंबी थी, 11:30 खत्म हुई थी, अगर आपने पिछले एपिसोड में देखी हो कंप्लीट। और उसके बाद हम सीधा होटल में गए, बस वॉशरूम यूज किया और निकल गए। उसके बाद जब से ड्राइव कर रहे हैं 7:30 बज चुके हैं, रास्ते में होटल बुक किया, लंच का ही नसीब नहीं हुआ। अपना एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा इंटरेक्शन या बताते हैं आपको, आज हम एक रेस्टोरेंट पर रुके खाना खाने के लिए। सो एज यूजुअल मैं प्याज लहसुन नहीं खाता, तो मैंने पूछा कि भाई कुछ मिल पाएगा बिना प्याज लहसुन के, तो उसने कहा आपको जैन खाना चाहिए। तो हमने कहा हाँ जैन चाहिए, तो उसने कहा ठीक है मैं ला दूंगा। पर भाई उस बंदे की क्यूटनेस सबसे ज्यादा पता है क्या थी, दुनिया रोकती है अपने बंदा, अपने ढाबे रेस्टोरेंट पे कस्टमर्स को, उन्होंने खुद ही बोल दिया। सबसे पहली तो बात ही बता, स्टार्टिंग की जब मैंने जाके पूछा क्या मिल जाएगा, उसने कहा ऑल इन ऑल सब कुछ अवेलेबल है। हाँ। पर जो आइटम हमने मांगी वो ही नहीं थी, सेकंड भी नहीं, थर्ड भी नहीं। हाँ। कुछ भी नहीं था उसके पास, हमने उससे ही पूछ के ऑर्डर किया, भाई जो तेरे पास है वो दे दे बस। पर एंड में वो आया कि आप चले जाइए, हमसे नहीं हो पाएगा। वो बंदे ने हमको उससे बोला कि भैया आप चले जाइए यहाँ से, हम आपकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं बना पाएंगे। भैया हम जितनी भी हमारी सब्जियां बनती हैं सब में प्याज लहसुन का छोक लगता है, तो आप आगे 300 मीटर आगे रेस्टोरेंट है, तो मतलब मैंने और नितेश ने कभी ऐसा रेस्टोरेंट देखा ही नहीं। क्यूट था कि ऐसा रेस्टोरेंट देखा ही नहीं जहाँ से बंदे को बोला आप चले जाइए, हम नहीं कर पाएंगे, वरना अदरवाइज हर कोई सोचता है कि चाहे खिला दे बंदे को, किस तरह बिलिंग कर ले उसकी, दे दो कुछ तो ले ही लेंगे। पर नहीं, वो बंदा अच्छा था, उसे लगा कि वो हमारी रिक्वायरमेंट नहीं पूरी कर पाएगा, तो उसने उसे हमको मतलब जाने में ही भलाई समझी। पर ठीक था, अगर वो नहीं कर पाएगा तो कोई इशू नहीं था। तो गाइस जो हम, और एक और नई बात सिखाई हमें नितेश ने कि वो जो बनाना जो होता है वो फ्रूट नहीं होता। भाई सीख लो सर, भाई लोग तुम अभी बेवकूफ समझ रहे हो अपने आपको, फ्रूट समझ के खाते हो, बनाना को कभी मत खाना, बनाना फ्रूट नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये भाई साहब जो हैं इनकी एक थ्योरी है अपनी कि उसमें क्योंकि फाइबर कम है ना, तो इनको लगता है कि वो फ्रूट नहीं है, उसे कंसिडर नहीं कर रहा। तो यार आप लोग अगर इस बात से इत्तेफाक करते हैं तो आप इसको गाली लिख के दे सकते हैं, नहीं करते तो भी आप गाली लिख के देख सकते हैं। भाई तेरा जो वीडियो डलेगा ना व्लॉग, हाँ, वो फिर नॉट सूटेबल फॉर किड्स हो जाएगा। अरे यार सॉरी सर, गाइस प्लीज डोंट अब्यूज, आई एम सॉरी, आई एम टेकिंग माय वर्ड्स बैक। आप अपना मतलब अपना वो दे सकते हो ओपिनियन इसके ऊपर कि ये बात क्या आपको सही लग रही है, ये मुझे आज ही सीखने को मिली इससे। नहीं भाई देख, अब पूरी बात, अब जब तूने बात बताई थी तो मैं बता रहा हूँ यार, जो मेरा वो है कि फ्रूट्स खा के आपको एक फ्रेशनेस लगनी चाहिए, तो मेरे केस में हो सकता है तेरे साथ होता हो। नहीं फ्रेशनेस तो किसी को नहीं लगेगी बनाना से। हाँ, मेरे केस में मेरे को फ्रेशनेस नहीं लगती, जो फ्रेशनेस मेरे को एप्पल या ऑरेंज या वो मौसमी खा के या पपीता खा के या अंगूर खा के या जामुन खा के लगती है, मेरे को बनाना से नहीं लगती। तो इसलिए मैंने जो सीखा था कि भाई अच्छा फ्रूट खाना है, मैंने ये नहीं कहा कि बनाना फ्रूट नहीं है। तो भाई लोगों मैं आपको बता दूं, मत्थे पे बात मार दी। तो भाई लोगों मैं बात बता दूं, ये बातें जो होती है ना इंसान तभी करता है जब उसकी ट्रिप का ना 7वां दिन आ जाता है और वो खूब ट्रेवल कर चुका होता है, दुनिया भर की सफारी कर चुका होता है, और बांधवगढ़ की वो 2 सफारी कर चुका होता है, वो भी टाला गेट की, और वहां पे उसे टाइगर नहीं दिखता, तो ये दिमाग उसका तभी खराब होता है, केमिकल लोचा हो जाता है। हाँ, तो ये दिमाग में हमारे हो चुका है केमिकल लोचा, इसलिए हम आ गए पेंच नेशनल पार्क टाइगर की खोज में। मतलब आप विश्वास करोगे हमें टाइगर नहीं दिख रहा। तू गंदा आदमी है, तू टाइगर की खोज में आता भाई, जंगल को एंजॉय किया करना। हाँ मैं वैसे बता रहा हूँ, पर अभी जो हमारे दिमाग में केमिकल लोचा चल रहा है ना, पहली बात तो हम सुबह से भैया बहुत थके हुए हैं, सुबह 5 बजे के उठे हुए हैं, 7:30-8 बजने वाले हैं, और बस जाके हमें पड़ जाना है। तो भाई लोगो अब सीधा तुम्हारे को मैं ले जा रहा हूँ रिजॉर्ट के अंदर, तब तक के लिए ये रहा, आ गया गाइस यही है वन विस्ता बीच। वन विस्ता थोड़ी है भाई, वन विस्ता नहीं है, वन विस्ता नहीं है, फिर कुछ और है भाई, यहाँ तो वन लाइफ है। सॉरी भाई सॉरी, कतई मिस्टेक हो गई, वन लाइफ है हमारा। एक तो भाई ये फोन इतना बढ़िया है, इसका हैंग होता है यार, स्टार्ट पे क्लिक ही नहीं हो रहा।
सीधे जाना होगा, ये रहा वन लाइफ भाई, लोग आप सही हूँ इस बार में, ये रहा वन लाइफ, ये अपना है वन लाइफ वन गेम। और गाइस हाँ, हम लोगों ने ना एक बात और नोटिस करी कि इन कंपैरिजन टू बांधवगढ़ का ना, ये जगह थोड़ी सी ज़्यादा लाइव है, थोड़ी सी हमें मार्केट भी दिखी छोटी सी यहाँ पे, थोड़ा दिखा कि हम कुछ हमारे सामान ना हो तो हमें मिल भी सकता है। यहाँ हर कोई वन के नाम से ही है क्या भाई? ये यहाँ रुकेगा तू? सारे वन के नाम से है क्या? क्या चीज़ है? देख रहा पहुंच गए भाई फाइनली, आफ्टर लॉट ऑफ कंफ्यूजन, वन लाइफ विद द मदर स्प्राइट, वन लाइफ फॉर द स्टे अलाइव, ऑलवेज अ बिलीव। मेरा रिजॉर्ट तो अच्छा लग रहा है, सही है। वन लाइफ गड्डियां भी आई हुई, मतलब पब्लिक तो है जी सर। हिमाचल की गड्डी आई, हिमाचल की गड्डी है, झारखंड की गड्डी है, अब यूपी की हम पास में लगा देंगे। Who the hell can stop us?